आज किस तरह का मतलब जो है 5 रुपए देखना करनी है किस तरह देखनी है। देखो ब्लैक फंगस जी हैगी है, ये कोई नवी बीमारी नहीं हैगी है। फंगस मतलब कोली होंगी हैगी है, तो जिथे मतलब कि मकबूल जी थान मिलती हैगी है, सिले सलाबा ज्या जिथे लाइट नहीं पहुँचती उत्थे। पर जी मरीजों के हैगी है, पर जो कोविड वाले रिश्ता हैगा वो इस करके हैगा कि कोविड के मरीज पहला इम्यूनिटी घट होंगी है। तो ये देखा गया है कि खास तौर पर जे जिन्होंने ब्लड शुगर हैगी है, शुगर डायबिटीज पुराने मरीज है, तो उन्होंने जे कि हुण अजकल स्टीरॉयड मतलब कि दे के तो बचाने की कोशिश हो रही है, तो ये ड्रग इंट्रोड्यूस हुई है। उस तो बाद जो ब्लड शुगर के मरीज में ये स्टीरॉयड दी जाती है तो उन्होंने ब्लड शुगर बहुत तेजी में बढ़ जाता है, तो उत्थे फिर ये ब्लैक फंगस के मतलब कि ग्रो करने के चांसिज बढ़ जाते हैं। तो जे आप इन्हें एक चीज़ होर जोड़ी वो हैगी है जी ऑक्सीजन दी जाती हैगी है, मतलब कि ऑक्सीजन की जी नली हैगी नक राही जाती हैगी है, तो उन्हें जे साडे हाइजीन हैगी है उसकी मेनटेन करनी बड़ी जरूरी हैगी है। इनका पहला सिमटम जो है क्योंकि नक राही एंटर करती है, तो नक के विचों की मतलब कि जो आप कहते ब्लीडिंग नोज होंगे है, सोजिश जी पेनफुल हो जाता है, फिर अखों के नाल नक का जो रिश्ता हैगा उन्हें करके अखों से अटैक करती हैगी है। तो अखों के अटैक होने बाद फिर अख की रोशनी जानी शुरू होंगी है, तो हौली हौली ये पूरा अटैक करती है, फिर सू अखा कड़निया पैदा ताकि ब्रेन से अटैक बचाया जा सके। तो यहाँ इलाज जो है पहला तो साफ सफाई की गल है, पर जो हो भी जाए तो फिर साढ़े को एंटीफंगल ड्रग्स है, वो एंटीफंगल ड्रग शुरू कर दी जाने। तो जिते कि भी कोशिश होती है कि भी जे नक तो हैगी पहुंची हुई अटैक किया है तो एंटीफंगल ड्रग शुरू कर दो, तो फिर उत्थे रुक जाती हैगी है, तो अखा बच सकदियां ने। जे अखा तक पहुँच जाए तो फिर अखा कढ़ के भी एंटीफंगल ड्रग देनी पैंदी है ताकि ब्रेन से अटैक ना हो, क्योंकि ब्रेन से अटैक तो बाद फिर मौत के चांसिज बढ़ जाते हैं। तो एक बार जे अटैक इनका अखा तक पहुँच जाए तो 50% चांसिज होंगे ने कि भी शुरुआती लक्षण जे है दसिए भी थोड़ू भी जे अपने नक् राही अटैक करती है, तो नक् जो है स्वैलिंग हो जाती है, थोड़ा लगता है ब्लीडिंग नोज जो है वैसे वो पहला सिमटम होंगे है। जे वो ना मतलब होता पेनफुल साढ़े साइनसिज है, साइडा तो जे नक् साइडा के उत्ते जे साइनस होंगे ने वह होंगे है। फिर जो अखा तक पहुँच जाए तो रोशनी कटनी शुरू हो जाती है, एकदम बंद लगता है कि मेरी अखा के उत्ते जिम्मे धुंधलापन आ गया है। इलाज दस भी तुम्हें इलाज जो है एक तो है बचाव है एक इलाज है। बचाव तो है भी असी मतलब कि जी साफ सफाई जी हाइजीन हैगी है प्रॉपर वो मेनटेन करिए, ऑक्सीजन की जी नली हैगी है जरा उन्हें पानी की बोतल लगी है जो तो फिल्टर होकर आती है उन्होंने मतलब कि रखिए, ब्लड शुगर मेनटेन करिए, ब्लड शुगर जी है उन्होंने नॉर्मल निर्धारित जी 110 हैगी उत्थे रखी जाए, तो स्टीरॉयड जे ने निगरानी में दिए जाए घट तो घट दिए जाए, जिन्ना समा देने ने उन्ना समा दिए जाए, तो उसका ध्यान रखा जाए। तो जे हो जाए तो फिर इन्हें वास्ते जी हैगी है एंटीफंगल ड्रग हैगी है, वो 15 दिन उन्हें इंजैक्शन दिए जाते हैं, फिर उस तो बाद वो जो कंट्रोल हो जाती है तो फिर कुछ समा जी उन्होंने टैबलेट्स दे के डिस्चार्ज किया जाता है। देखिए भी एपीडेमिक एक्ट जो लगता है तो सानू कुछ खास जिम्मेवारियां साढ़े सिर आ जाती ने भी जे जो एक्ट के अंदर आ जाती है। इन बात जिस तरह मैं दसिया गया कि साफ सफाई की गल हैगी वास्ते थोड़ू वक्रा एक वार्ड चाहिए है, तो वार्ड वक्रा चाहिए है, तो मतलब थोड़ा मतलब कि वक्रा एक स्टाफ चाहिए है। जिम्मे मैं क्या कि बारी बारी जो अपने हाइजीन मेनटेन करने की गल है, ऑक्सीजन की नली हैगी बदलने की गल हैगी, पानी बदलने की गल हैगी, उन्हें वास्ते भी सू जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो चाहिए है, तो ये सारे इंतजाम जो ने वखरे करने वो फिर थानू साढ़े सिर पर एक एक्ट के अंडर एक जिम्मेवारी आ जाती भी ये इंतजाम होने चाहिए ने। तो नाले दवाइया की गल हैगी सारा कुछ है, जिम्मे आप कह रहे कि दवाई जी है महंगी हैगी है, तो सारे की पहुँच में भी नहीं हैगी, तो फिर जो एक्ट लग जाता है तो यह होंगे कि भी जो दवाई हैगी है वो एक्ट के अंडर सारे मतलब इंतजाम किया जा सके।